गुड मॉर्निंग बच्चों, हम कक्षा 8वीं का पार्ट 1 पढ़ रहे हैं, भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना और विस्तार। हमने आधा पार्ट पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे भारत में कंपनी के व्यापार का विस्तार। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के व्यापार में प्रारंभ कर दिया, भारत में व्यापार प्रारंभ कर दिया, मगर भारत में कंपनी को कोठी व्यापार बस्ती स्थापित करने में सफलता नहीं मिल रही थी। जहांगीर ने 1613 ईस्वी में कंपनी को सूरत में कोठी स्थापित करने की अनुज्ञा प्रदान कर दी, आज्ञा प्रदान कर दी। इसके बाद कंपनी ने सर टॉमस रो को इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में मुगल दरबार में भेजा। सर टॉमस द्वारा रो इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में मुगल दरबार में भेजा। सर टॉमस रो ने 1615 ईस्वी से 1619 ईस्वी तक मुगल दरबार में रहा। उसके बाद जहांगीर ने मुगल साम्राज्य के विभिन्न भागों में व्यापारिक कोठी स्थापित करने की अनुज्ञा प्राप्त कर ली। शीघ्र ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, आगरा, अहमदाबाद और भड़ोच में व्यापारिक कोठी स्थापित कर ली। धीरे धीरे वे अपने विस्तार को बढ़ाते गए और सूरत, आगरा, अहमदाबाद और भड़ोच में व्यापारिक कोठी स्थापित कर ली। 1668 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीना के साथ हुआ। विवाह में दहेज के रूप में मुंबई मिला, दहेज के रूप में उन्हें मुंबई को दिया गया। 10 पौंड वार्षिक लागत पर मुंबई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। 1687 ईस्वी में कंपनी द्वारा सूरत के स्थान पर मुंबई को भी पश्चिमी तट की कोठियों का मुख्यालय बना लिया, जहां पर इनका व्यापार स्थापित होने लगा। भारत के पूर्वी तट पर भी कंपनी द्वारा मछलीपट्टनम, मद्रास, चेन्नई, बंगाल, हरिहरपुर, बालासोर, हुगली, पटना और कासिम बाजार में कोठियां स्थापित कर ली। भारत के पश्चिमी एवं पूर्वी भागों में कंपनी के व्यापार में आशाजनक वृद्धि होने लगी। कंपनी द्वारा मुंबई, मद्रास तथा कलकत्ता के किले बनवा लिए गए और वहां पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध किए गए, सुरक्षा के पूरे प्रबंध को कर लिया गया। उसके बाद 1717 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मुगल साम्राज्य फरूख हसियत से अनेक महत्वपूर्ण व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त कर ली। जॉन सरमन एवं विलियम हिल्टन सम्राट से मिले। मुगल सम्राट गंभीर रोग से पीड़ित थे। विलियम हिल्टन की सहायता से सम्राट रोग मुक्त हो गए। प्रसन्न होकर सम्राट ने कंपनी को 3 फरमानों द्वारा अनेक सुविधा प्रदान कर दी। 3,000 रुपए वार्षिक के बदले कंपनी को बंगाल में बिना किसी कर के व्यापार करने के अधिकार मिल गया। उनको व्यापार करने के लिए कोई कारण टैक्स चुकाने की आवश्यकता नहीं थी। कंपनी को कलकत्ता के आसपास के क्षेत्रों को किराए पर लेने की अनुमति मिल गई। हैदराबाद प्रांत में कंपनी की सभी देनदारी समाप्त कर दी गई। कंपनी द्वारा मुंबई पर टंकी सिक्कों का समस्त मुगल साम्राज्य में प्रचलन हो गया। इस प्रकार भारत में कंपनी के व्यापार एवं प्रभुत्व का व्यापार वृद्धि होने लगे। धीरे धीरे इन लोगों ने सभी जगह पे अपना स्थान बना लिया और अपने व्यापार को बढ़ाते गए और अपना व्यापार का विस्तार करते गए। आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिस्पर्धा और कर्नाटक युद्ध। अब हम पढ़ रहे हैं आंग्ल फ्रांसीसी स्पर्धा और कर्नाटक युद्ध। आंग्ल फ्रांसीसी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा शीघ्र ही युद्ध में परिवर्तित हो गई। पहले इनकी प्रतिस्पर्धा व्यापार में थी, अब इनकी प्रतिस्पर्धा युद्ध में परिवर्तित हो गई। दोनों के बीच लड़े गए युद्धों का अध्ययन करने के से पूर्व उनकी शक्ति और साधनों पर एक दृष्टि डालना उचित होगा। ब्रिटिश इंडिया कंपनी एवं गैर सरकारी संस्था थी। ब्रिटिश इंडिया कंपनी एक गैर सरकारी नहीं थी, गैर सरकारी थी, जबकि फ्रांसीसी कंपनी पर सरकारी प्रभुत्व था। फ्रांसीसी कंपनी सरकार के अधीन थी। ईस्ट इंडिया कंपनी अपने व्यापार एवं शक्ति के विस्तार तथा निर्णय के लेने के लिए स्वतंत्र थी, जबकि फ्रांसीसी कंपनी समस्त निर्णयों के लिए फ्रांस की सरकार पर निर्भर थी। फ्रांसीसी कंपनी सरकार पर निर्भर थी क्योंकि वे सरकार के अधीन होकर कार्य कर रहे थे और ईस्ट इंडिया कंपनी स्वतंत्र थी जो अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र थी। ब्रिटिश कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी पूर्णतः परिश्रम तथा लगन से कार्य करते थे, जबकि फ्रांसीसी कंपनियों के
के बारे में ऐसा नहीं कहा जा नहीं था। सरकारी संरक्षण के कारण फ्रांसीसी कंपनी में स्वाभाविक व्यापारिक गतिशीलता तथा कार्यशीलता का अभाव था, कमी को देखा गया था। ब्रिटिश कंपनी का व्यापार विस्तार तथा उसका मुनाफा तथा शक्ति एवं साधन फ्रांसीसियों की तुलना में अधिक था। फ्रांसीसी कंपनी के पास मुनाफा भी कम था और शक्ति भी कम थी। ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत मजबूती से काम करते जा रहे थे अपना अपना। इस प्रकार दोनों के कार्य क्षेत्र पश्चिमी एवं पूर्वी भाग में थे। दोनों के स्वार्थ एक जैसे थे। अंततः पारस्परिक प्रतिस्पर्धा का परिणाम युद्ध ही हुआ। दोनों में युद्ध हुआ, कर्नाटक युद्ध और परिणाम। अभी हम पढ़ रहे थे आंग्लो फ्रांसिस प्रतिस्पर्धा और कर्नाटक युद्ध। अब हम पढ़ेंगे कर्नाटक युद्ध जो हुआ था अभी, अब इसमें इसका क्या परिणाम हुआ। अधिक मुनाफा अर्जित करने और राजनीतिक प्रभुसत्ता में वृद्धि के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी प्रयत्नशील थी। दोनों एक दूसरे को मात देने के लिए कम से कम मूल्य पर भारतीय माल क्रय करने का प्रयास करती थी। दोनों ही बाजार पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे, अपना स्वामित्व स्थापित करना चाहते थे। दोनों अधिक बाजार तथा सुविधा प्राप्त करने के लिए भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे। व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए राजनीतिक सत्ता स्थापित करने का सपना देखने लगे। वे व्यापार को बढ़ाने के लिए अपने अपनी सत्ता को स्थापित करने लगे भारत में। फ्रांसीसी कंपनी का प्रधान कार्यालय दक्षिण पूर्वी तट पर पांडिचेरी में था, जबकि ब्रिटिश कंपनी का प्रमुख केंद्र फोर्ट सेंट चार्ज मद्रास में था, जो पांडिचेरी से अधिक दूर नहीं था। दोनों कंपनियों की महत्वाकांक्षा में वृद्धि होती गई और परस्पर झड़प होने लगी। एक दूसरे को समाप्त करने की होड़ में दोनों के बीच भारत में तीन युद्ध हुए, जिन्हें इतिहास में कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध सन 1746 से 1748 तक का रहा है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।